चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 रनों से जीत मिली। मगर दोस्तों मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ऐसी गलती कर बैठे जिस गलती के कारण उनका करियर एकदम खत्म हो चुका है और बीसीसीआई ने संजू सैमसन पर लगा दिया है 12 करोड़ जुर्माना। आखिरकार दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल्स के हाथों में थमा दी। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से जॉस बटलर ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 20 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट खोकर के चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 172 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस स्कोर का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने अंत तक जिताने की पूरी कोशिश की, मगर 3 रनों से इस महामुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि संजू सैमसन ने इस मुकाबले को जीतने के बाद भी संजू सैमसन पर जुर्माना क्यों लगाया गया है, तो आपको बता दूं इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से स्लो ओवर रेट देखने को मिली है और स्लो ओवर रेट के कारण ही संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगने वाली राजस्थान रॉयल्स दूसरी टीम बनी है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस पर भी इसी कारण से जुर्माना लगाया जा चुका है।